हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये पीछे से आप बैलेंस खत्म हो गया है, एडवांस हुआ है अभी नहीं, तो आपको वीडियो कॉल भी कर रहा था मैं, तो वो वीडियो कॉल भी रिसीव नहीं हो रही थी, शायद आप बिजी हो। नहीं, क्या मसला क्या है? सर वही आपको बताया था कल से, वो जो आपने जिसका बताया था, तो जो आपने शरबत बताया ना उसका मुर्गी का अपने के लिए, कल वो मिल नहीं रहा है, तो मुझे बड़े स्टेशन जाना पड़ेगा, शायद वहाँ से मिलेगा मुझे। नहीं, क्या शरबत, किस चीज, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? सर वो मैं आपको बताया था कि वो बकरी बीमार हो गई थी, इसके लिए आपने एक बार दूध में अंडा और शहद बताया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, वो तो दिया था। उसके बाद आपने कहा ना एक बकरी ठीक हो गई, दूसरी जो है अभी वो खाती पीती नहीं है। नहीं, वो आज को ज्यादा डो नहीं है, वरना कल से खाती थी, रात को भी खाती, सुबह को मैं देखा बिल्कुल बैठी हुई थी, मुश्किल से खड़ा किया, एक जगह खड़ी हुई है, उसी से उसकी लोकेशन हुई हुई है, आंखें भी चिपकी हुई है, नाक भी उसकी बह रही है, पास है खड़ी की ठरके वक्त जाती है ना। नहीं, उसको बेहतर ये है कि आपको उधर वेटरनरी का कोई हॉस्पिटल है ना, वहाँ ले जाएं डॉक्टर से, वहाँ से इंजेक्शन भी लगवा देंगे, वो इंजेक्शन लगाएं इसको, और ताकत के न्यूरो बैंड वगैरह के भी लगाएं, और सेलाइन लेक्चरी अगर आपको मिल जाए तो वो इसको नज़ले ज़ुकाम के लिए वो बेहतरीन है, सेलाइन लेक्चरी वहाँ से मिल जाएगी, वो दे दें, अगर ख़ुद बना सकते हैं ख़ुद बना लें, वो मेरा प्रोग्राम देखें, उसमें मैंने तरीक़ा दिया हुआ है सेलाइन लेक्चरी का, ठीक है? लेकिन ये है कि मेरा बेटा, बेहतर ये है कि खुद इलाज करने से बेहतर है, अगर अल्लाह ताला ने आपको सहूलत दी हुई है, नज़दीक है, ये आपके करीब है कोई वेटरनरी का डॉक्टर हॉस्पिटल है, तो वहाँ ले जाके वहाँ उसको दिखाएं, चेक कराएं और वहाँ से प्रॉपर इलाज कराएं। ठीक है सर, वो हमारी दूर बहुत है ना, वो मुश्किल था, इसलिए वो आपके घर से निकाले, और काफी अच्छे से मैं बात करना भी चाह रहा था, इंशाल्लाह मैं कोशिश करके ना आज इसको मैं किसी तरीके से नीचे उतार कर उसको लेके जाता हूँ। उसको ज्यादा बेहतर यही है मेरा बेटा, और वैसे सेलाइन लेक्चरी मिल जाए तो वो ले आए, उससे ये होगा कि इसका जो नाक वगैरह बह रही है वो ठीक हो जाएगी, और इसकी खांसी अगर थोड़ी बहुत करती है वो भी ठीक होगी, और बुखार तो नहीं है उसको अब? बुखार उसी भी है, बुखार की वजह से तो वो तो बुखार के लिए मेरा बेटा फिवोनिल का इंजेक्शन मिल जाता है, फिवोनिल का इंजेक्शन लगाएं, अगर वो मिल जाए ठीक है, अगर नहीं है तो फौरन दो गोली पैरासीटामोल की, जिस तरह भी हो सकता है वो पिला इसको, वो तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना, वो तो आपके ये सामने छोटा या घर में भी कोई हो सकता है, पैनाडोल, ब्रूफेन या पैरासीटामोल की गोलियां पड़ी हुई हों, तो वो दो गोलियां लेके मेरी जान, वो उनको घोल के पानी में, और इसको किसी ड्रेंचर लिया हुआ है या नहीं, जिससे पानी इसको दवाई दी जाती है? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं है, वो पानी पिलाता हूं मैं। वो किस तरह पिलाते हैं? वो इस तरह होता है ना, किसी बोतल में डाल के पिलाते हैं? हाँ, वो बोतल में डाल के पिलाते हैं। बस ये है कि जबान नहीं पकड़नी, बेहतर ये है कि बोतल की बजाय वहाँ से कोई 100 रुपए का या कम कहीं मिलेगा ड्रेंचर, उनसे मांग लेना, कहना जी ड्रेंचर दें जिसके जरिए इनको दवाई दी जाती है, तो वो सरिंज टाइप भी होता है, वो ड्रेंचर ले आए, फिर वो है ना कि उनकी फेफड़ों की नालियों में या फेफड़ों की तरफ दवाई नहीं जाएगी, वो बची रहेंगी, ठीक है? ये उससे बचाने के लिए हम उसको ड्रेंचिंग कहते हैं, अगर खुदा ना खास्ता फेफड़ों में चली जाए ना दवाई, तो फिर वो उसको अथू लग जाता है, वो खांसी खांसना शुरू हो जाती हैं और बीमार हो जाती हैं, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि ड्रेंचर लाना चाहिए, ठीक है? ड्रेंचर के ज़रिए आप इसको दवाई दें। ठीक है सर, शुक्रिया मेहरबानी जी। मेरा वैसे बड़ा दिल में आपसे बातचीत करूँ, तो वो खैर जी मेरा बेटा, आपका नाम क्या है पूरा? मोहम्मद कामरान। ठीक है बेटू, आप लाहौर के अंदर ही? नहीं, मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में? हाँ, इस्लामाबाद में, लेकिन लाहौर। थैंक यू मेरा बेटा, मैं भी लाहौर का इरादा कर रहा हूँ, लाहौर चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह।
आप लाहौर में किधर रहते, किधर हैं? मैं गुलबर्ग में रहता हूँ, इधर स्विगन का दफ्तर है ना जी जी, गुलबर्ग में, उसके बैक साइड पर रहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला करेगा ठीक हो जाएगी बकरे आपके, फिक्र नहीं करना। आने लगी है तो मैसेज कर दो, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलने के लिए आऊँगा। ठीक है मेरा बेटा, अल्लाह दुआओं में याद रखना, ठीक है? जरूर जरूर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।